हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। अब दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, जो कि खासकर बजाज लवर्स है और जो खासकर आरएस लवर्स है, उसमें दोस्तों बहुत बड़ा चेंज यहां पे बीच में बजाज ने कर दिया था। क्या चेंज हुआ था कि दोस्तों, इन बाइक का जो कलर ऑप्शन था, बजाज ने कलर ऑप्शन में बहुत बड़ा चेंज किया था। और आरएस में आप लोगों को पता है दोस्तों कि बाइक में ब्लैक व्हील की जगह व्हाइट व्हील मिल रहा था, और ब्लैक व्हील जो ब्लैक चेसी की जगह व्हाइट चेसी देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में देखा जाए तो वो कलर ऑप्शन ना भाई किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, लोग उसे बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अगर हम बाइक को नहीं लेंगे तो बजाज को वापस से ब्लैक कलर एंड ब्लैक चेसी के साथ में इंडियन मार्केट में बाइक को लाना पड़ेगा। और एक्चुअल में यही चीज़ हुई। जब आरएस एनएसआई ब्लैक व्हील एंड ब्लैक चेसी के साथ में उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो वापस से दोस्तों बजाज ने ब्लैक व्हील एंड ब्लैक चेसी के साथ में इंडियन मार्केट में बाइक उतारा है, जो कि ग्रे कलर ऑप्शन है। देखिए, ध्यान रखिए, जो आप लोग बाइक देख रहे हैं ये ग्रे कलर ऑप्शन है, और इस ग्रे कलर में आपको ब्लैक व्हील एंड ब्लैक व्हील देखने को मिल रहा है। अगर आप अदर कलर में जाएंगे तो वहां पे आपको ब्लैक व्हील तो मिल रहा है, लेकिन चेसी अभी भी आप लोगों को ब्लैक देखने को नहीं मिल रही, व्हाइट देखने को मिल रही है। तो ये जो कलर ऑप्शन है आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। आज की वीडियो में दोस्तों यही वाली आरएस की मैं बात करने वाले हैं, आरएस के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। जितना हमारे पास पैसा होता है, जितना हमारे पास बजट होता है, उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, ऑब्वियसली बात है। दोस्तों, बजाज पल्सर आरएस 200 एक्स रूम प्राइस आती है 1,64,000, 1,64,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, ऑन रोड प्राइस बताने से पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा, हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ और इंश्योरेंस चार्जेस से फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ 1,90,000, 1,90,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सी टेन स्टेट में आर एस 200 का क्या ऑन रोड प्राइस है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इंजन टाइप में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ट्रिपल स्पार्क प्लग, 4 वोल्वो 200cc BS6 DTSI FI इंजन, लिक्विड कूल इंजन आपको इस बाइक में दिया गया है। इस बाइक में दोस्तों 199.5cc का इंजन यूज़ किया गया है, आप इसे 200cc के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं बाइक के पावर एंड टॉर्क के बारे में। मैक्सिमम पावर में 24.5 का PS पावर है, जो कि 9750 RPM पे पावर जनरेट करता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में 18.7 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 8000 RPM पे पावर जनरेट करता है। इट मीन्स आरएस 200 में आपको पावर एंड टॉर्क बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में दोस्तों लिक्विड कूल इंजन आपको बाइक में देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ 4 वोल्वो आपको बाइक में मिलेंगे। ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टाइप में दोस्तों ध्यान रखिए, आपको आरएस 200 में, एनएस 200 में, सभी में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन दिया जा रहा है। अभी जितनी भी हायर सेगमेंट की बाइक है, सभी आपको किकलेस देखने को मिलेगी, उसमें किक नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर के साथ में जो किक होता है उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्टर है, क्लच में वेट मल्टीप्लेट क्लच है, तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है। अगर इसमें स्लीपर क्लच हो तो बाइक और भी बेटर हो सकती है। गियर बॉक्स में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स बाइक में देखने को मिल जाते हैं। नॉन स्टिप एमिशन टाइप BS6 कंप्लाइंट इंजन है। तो ये था दोस्तों बजाज पल्सर RS 200 का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा दोस्तों कि RS 200 काफी ज्यादा पावरफुल बाइक है, 200 सेगमेंट में आज भी बाइक का कोई तोड़ नहीं है। बाकी आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों RS 200 मेरे हिसाब से आज भी काफ़ी पावरफुल बाइक मानी जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के माइलेज के बारे में। अब दोस्तों आपको पता है कि इंडियन मार्केट में आजकल पेट्रोल का प्राइस कहाँ तक पहुँच चुका है। जिस हिसाब से पेट्रोल का प्राइस है भाई, उस हिसाब से माइलेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों, इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो आरएस 200 आपको लगभग 35 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर देगी। जी हाँ, 45 के आसपास का जो माइलेज है आपको आरएस 200 निकाल कर दे देती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सबसे पहले बाइक की की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिल जाती है, जो कि बजाज का पल्सर का आपको इसमें ब्रांडिंग मिलेगी। स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं बाइक में, आपको एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सारे फीचर्स है। सबसे पहले देख पा रहे बाइक में आपको टेकोमीटर एनालॉग मिलता है, जिसे आरपीएम मीटर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बाइक में फ्यूल इंडिकेटर
इंडिकेटर मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है, बैटरी इंडिकेटर मिलता है, साथ में आपको क्लॉक मिलता है, किलोमीटर आवर मिलता है, ट्रिप वन ट्रिप टू भी देखने को मिलता है, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन लाइट, इंजन टेम्परेचर, ये सारे फीचर्स भी आपको बाइक में देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों बाइक के स्विचेस के बारे में, तो लेफ्ट हैंड साइड में पास सीज, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल है, हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट हैंड साइड में इंजन किल स्विच एंड सेल्फ का स्विच आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों चेसी टाइप में सबसे पहले बात करूँ बॉडी टाइप के बारे में, तो ये स्पोर्ट नेकेड बाइक है, ठीक है। जैसे कि हर बाइक का सेगमेंट होता है दोस्तों, नेकेड स्पोर्ट, फेयरिंग स्पोर्ट, ये आपको बता दूँ ये फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है, जैसे एनएस नेकेड स्पोर्ट बाइक है। चेसी टाइप में दोस्तों बाइक में पैरामीटर फ्रेम यूज़ किया गया है। सस्पेंशन में दोस्तों फ्रंट में आपको देख पा रहे बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, बहुत ही अच्छे सस्पेंशन माने जाते हैं। एंड रियर में आपको बाइक में नाइट्रो मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे। बाइक के जो रियर सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बात करते हैं बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 1999 mm की। बाइक की जो वीट है वो है 765 mm की। बाइक की जो ओवरऑल हाइट है दोस्तों है 1114 mm की। एंड बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर की, जी हाँ 13 लीटर जो पेट्रोल है एक बार में आप फ्यूल करा सकते हो। बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वह 157 mm की। एंड बाइक की जो व्हील बेस है वह 1345 mm की। एंड बाइक का जो कर वेट है दोस्तों 166 kg का, जी 166 kg की बाइक है RS 200। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स में आपको पता है कि RS 200 को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों RS 200 एक ऐसी बाइक है जिसके इलेक्ट्रिकल्स, भाई मुझे क्या पूरी दुनिया को पसंद होगी जिसने RS 200 देखा है। आप लोग मेरी बात से एग्री हो ना भाई, मानते हो ना, RS 200 भाई है ही RS 200 ऐसी, और बहुत अच्छी बाइक है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के लाइट्स के बारे में, तो बाइक में दोस्तों आपको फ्रंट में डुअल प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है, लेकिन वो हैलोजन है, ध्यान रखिए LED नहीं है। अगर ये चीज़ LED होती तो भाई और मज़ा आ जाता। टर्न सिग्नल लैंप में आपको LED टर्न सिग्नल लैंप मिलते हैं, जो कि सेम KTM की बाइक्स में आते हैं। रियर टेल लाइट भी आपको इसमें LED देखने को मिलती है। मेंटेनेंस फ्री बैटरी, बैटरी कैपेसिटी 12 वाट की बैटरी आपको बाइक में मिल जाती है। बात करते हैं बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। टायर साइज में दोस्तों बाइक में आप लोगों को फ्रंट में देख पा रहे हैं 180 का टायर देखने को मिलता है, जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आता है। रियर में दोस्तों बाइक में आपको 130-70 का टायर देखने को मिलता है, जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आएगा। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है, व्हील टाइप में अलॉय व्हील है। दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रेकिंग के बारे में। अब दोस्तों ब्रेकिंग में आपको बताया कि RS 200 में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जी हाँ ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS है। बात करें प्लेट साइज के बारे में, फ्रंट में दोस्तों बाइक में आपको 300 mm की प्लेट आती है, जी हाँ 300 mm की जो प्लेट है वो फ्रंट में यूज़ की गई है। रियर में आपको बाइक में लगभग 230 mm के आसपास की प्लेट साइज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बजाज पल्सर RS 200 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू, जो कि ब्लैक व्हील, ब्लैक चेसी और ग्रे कलर है। अब दोस्तों ये कलर ऑप्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में RS 200 का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। परफॉर्मेंस वाइज बाइक का तो कोई तोड़ है ही नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा फीचर्स की जो ज़रूरत है वो बजाज को देखनी चाहिए। फीचर्स इसमें अगर और अपग्रेड कर दिया जाए तो फिर भाई RS 200 का कोई तोड़ नहीं है। बाकी इसमें आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन करना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रह सकें, आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।